वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कब, जब पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मतलब एक ये कंसेप्ट सीखा था हमने कुछ इस तरीके से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी, कब, जब वो पासिंग थ्रू, ठीक है ना, इंटरसेक्शन मतलब कट करना, इंटरसेक्ट वर्ड है मतलब कट, सही बात है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है ना। और उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से ड्रा की थी, जैसे कोई एक प्लेन है, सही है, उसके बाद कोई दूसरा प्लेन इस तरीके से है, ठीक है ना, एक दूसरे को कट कर रहा है, कट करेगा किसी लाइन पर, तो ये बात पता होनी चाहिए हमें भी, किसी लाइन पर कट करेगा और इस लाइन का अपना एक प्लेन होगा, इस तरीके से ज्योमेट्री ड्रा की थी, सही है। और इस चीज का रिजल्ट क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन का रिजल्ट, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन का रिजल्ट क्या करना है, किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को पता होना चाहिए पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। तो रिजल्ट था पाई वन, मतलब पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे की, जीरो के बराबर पुट कर, तो ये आया था रिजल्ट, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से रिजल्ट था, सही बात है। चॉइस थी यहां पर, मतलब जिस भी फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म हो, कार्टेशियन फॉर्म हो, एज इट इज पुट कर दो इस तरीके से, सही है। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख रहे हो तो अच्छी बात है। और यहां पर एक्चुअली ये चीज थी, जब हमने ये कंसेप्ट सीखा था, जब डिराइव किया था इसका फॉर्मूला, एक्चुअल में यहां पर होते हैं जैसे वन और लैम्डा है ना कोफिशियंट, सही है। जब कंसेप्ट सीखा था एक्चुअल में अल्फा और बीटा होते, मतलब कोई दो, सही है, लेकिन प्लस टू तक है ये बात, ये वन और लैम्डा वाली, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये सारी बातें चेक कर सकते हो इस कंसेप्ट में। और उसका रिजल्ट ये आया था इस तरीके से, सही है। तो बस सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट, और मेन काम क्या होता है, लैम्डा निकालना, रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। और लैम्डा मतलब एक वेरिएबल, सही है, और एक वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, सही बात है, ज्यादा होंगी उतनी कैलकुलेशन आसान होनी है, एक ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हर बार मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एक इक्वेशन क्यों होती है, सही है। बस सॉल्यूशन स्टार्ट किस तरीके से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरीके से लिख दो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बातें लिख देना, विच पासिस थ्रू, मतलब ये कह दो प्लेन वन है, ठीक है ना, ये प्लेन टू, चॉइस है, कोई किसी को भी वन और टू मान सकते, ये कोई कहीं पर कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, कि पासिस थ्रू प्लेन वन एंड प्लेन टू, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। एक्चुअली पासिस थ्रू देयर इंटरसेक्शन होगी यहां पर बात, सही है ना, दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से जहां पर कट करेंगे वहां पर उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी, ये काम की बात है, सही है। इस चीज का मतलब ऐसा केस हो सकता है दो प्लेन जैसे पैरेलल हो समझने के हिसाब से, और कोई तीसरा प्लेन इनके बीच में से जा रहा हो, सही है, वो एक अलग चीज बन जाएगी फिर, ठीक है ना। तो यहां पर उनके इंटरसेक्शन से, ठीक है ना, ये बात लिख देना, बस हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, मतलब पाई वन जिस भी फॉर्म में रिजल्ट हो है प्लेन की इक्वेशन पुट कर दो, जो भी रिजल्ट है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप, सही है। लेकिन एक काम की बात है, और वो है ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ प्लस लैम्डा इनटू, ठीक है ना, दूसरे की पुट कर दो, आर वेक्टर डॉट जो भी रिजल्ट हो, टू आई कैप इस तरीके प्लस थ्री जे माइनस का के कैप, सही है, ठीक है ना। और ये प्लस का फोर पहले से ही होना, अच्छी बात है, तो इस तरीके मतलब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो याद रखना प्लस टू क्लास में जो ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन में, कांस्टेंट टर्म में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, दो जगह याद रखनी है, एक तो यहां पर इस कंसेप्ट में, और एक जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, कहां से, किसी पॉइंट से, किस पर, किसी प्लेन पर, सही है। तो उस केस के फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, कार्टेशियन फॉर्मूले वाले में, कार्टेशियन फॉर्मूला, ठीक है ना, वहां पर भी ये बात चेक कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसको भी चेक कर सकते हो ये बात, ठीक है ना। तो बस यहां पर डायरेक्ट इस तरीके से मेन काम क्या, लैम्डा निकल आए, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती, आर वेक्टर का मतलब जनरल पॉइंट से बनेगा, कहीं पर भी हो पॉइंट, सही है, तो पॉइंट से लिख दो, पॉइंट से आर वेक्टर क्या, पॉइंट आर वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड से बनता है, मतलब एक्स वाई जेड नंबर है सभी की मल्टीप्लाई इस तरीके से, बीच में प्लस का साइन, सही है। तो दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई कैप वालों के आई कैप वालों के साथ डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, पता होना चाहिए, फिर वन इंटू एक्स, फिर जे कैप वालों के आपस में वन इंटू वाई, फिर जेड मतलब के कैप वालों के आपस में वन इंटू जेड, सभी को एड भी करना है माइनस वन, सही है। प्लस लैम्डा इंटू यहां पर डायरेक्ट लिख दें, आर वेक्टर ये है, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट
आई के वालों के आपस में 2 इंटू एक्स होगा, फिर 3y होगा, फिर माइनस का 4z हो जाएगा, प्लस का 4 एज इट इज। सही है, इस तरीके से मेन काम क्या है, लैम्डा निकालना। अब इसके बाद ठीक है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहो चॉइस है। सही है, यहां पर पता होना चाहिए जो जो भी एक्स वाई जेड नजर आ रही है ना, जिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी थी उस पर उसका पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो मतलब ये मान लो कभी पासिंग पॉइंट होता, तो जैसे मान लो पासिंग पॉइंट ये होता कि मतलब ये प्लेन इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, मतलब प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है, तो ये एक्स वाई जेड की जगह पुट करने, जहां पर भी एक्स वाई जेड जगह दिखे यहां पर भी पुट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो किस तरीके से, जैसे सबसे पहले x कॉमन ले लो, मतलब x की टर्म यहां पर 1 है, यहां पर क्या आएगा लैम्डा इंटू 2x, x कॉमन लिया तो 2 लैम्डा बचेगा। सही है, प्लस y कॉमन ले लो, यहां पर 1 है प्लस का, फिर ठीक है ना, यहां पर 3 लैम्डा बचेगा कैलकुलेशन। सही है, फिर z कॉमन ले लो, इसी तरीके से यहां पर 1 बचेगा, यहां पर माइनस 4 लैम्डा होगा कैलकुलेशन। सही है, कॉन्स्टेंट टर्म एक माइनस 1 है, एक प्लस का 4 इंटू लैम्डा भी है। सही है, इतनी सही बात है। अब ये हमें किस तरीके से नजर आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म इस तरीके से, या फिर कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हो, ये डी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद ये पैरेलल है एक्सिस, मतलब इसको मान लो जैसे फर्स्ट और सेकंड कह रहे थे, ये थर्ड कह दो। सही है, ठीक है ना, इस तरीके से थर्ड इक्वेशन या फिर थर्ड प्लेन कह दो। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है ना, अब ये पैरेलल एक्स एक्सिस के, देख लो कोई प्लेन है, एक्स एक्सिस वो एक अलग बात है, ठीक है ना, कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है, ये है लाइन, एक्सिस भी तो एक लाइन थी। सही है, और उसमें नई चीज क्या थी, एक्सिस भी एक लेंथ होती या फिर लाइन, और उसमें मतलब रेफरेंस की बात आ जाती है, और वो रेफरेंस होता है ओरिजिन, ये बात भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक लाइन है पैरेलल है। सही है, प्लेन के हमें प्लेन से थोड़ी मतलब, प्लेन का एन वेक्टर इस तरीके से। सही है, और ये एंगल क्या बना 90। सही है, और ये बात पहले नहीं बताई थी, कौन सी, कि एंगल बिटवीन, जब एक लाइन और प्लेन की बात होगी सिर्फ इस कंसेप्ट के अंदर, जब एक लाइन हो एक प्लेन हो उस कंसेप्ट के अंदर एंगल कुछ और होगा, पैरेलल का मतलब थीटा 0 और 180 हो सकता है। सही बात है, दो केस पॉसिबल है। सही है, इन एंगल की बात हो रही थी और पहुंच कहां पर गई, हम पहुंच 90 पर गई। सही है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए ना इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। सही है, तो बस ज्योमेट्री समझ लो, सबसे आसान तरीका, परपेंडिकुलर का केस बना और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो एबीसी के कोफिशियंट, मतलब सॉरी एक्स वाई जेड के कोफिशियंट, मतलब एबीसी। सही है, तो ये ए का काम करेगा, ये बी, ए सी और ये डी है कोई कांस्टेंट। सही है, तो इसलिए मतलब इस फॉर्म में चेंज करना पड़ा। सही है ना, और इसके बाद परपेंडिकुलर वाली बात याद रख लो, कौन सी, कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, बस ये बात थी, मतलब ए1 ए2। सही है, तो बस जो अब x एक्सिस के इसके लिए डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए, और x एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस 100 डायरेक्ट पता होना चाहिए। सही है, वैसे एक्चुअल में तो x 0 0 होती है। सही है ना, x 0 0 x एक्सिस की खास बात है, x एक्सिस की खास बात y 0 z 0। सही है, मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है ये, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई 0 z 0। फिर क्या कहा था, एक्स वाई जेड का पैटर्न लिखा और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालने के लिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालने के लिए जो चीज रिपीट हो चुकी है यहां पर, उस पर एज इट इज डिस्टेंस आएगा, बची हुई चीज 0। तो ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक ओरिजन भी है, ओरिजन भी एक्स एक्सिस पर होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और डायरेक्शन रेशो की कौन सी डेफिनेशन, एक डिस्टेंस अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, तो एक्स माइनस 0 फिर 0 माइनस 0 फिर 0 माइनस 0 इस तरीके से। सही है, और यहां पर तीनों जगह हम x से डिवाइड कर देते हैं, वो एक अलग बात है 100 क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर इस डायरेक्शन रेशो में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस वजह से अगर x लेके चलते फिर वो x भी फाइंड आउट करना पड़ता इस वजह से। सही है, लेकिन यहां पर तो एक इक्वेशन गिवन है, मतलब एक कंडीशन, तो मतलब एक ही वेरिएबल निकलेगा, मतलब केवल लैम्डा, तो इस वजह से ये डायरेक्शन रेशो लेके चलते हैं, हर चीज का मतलब पता हो। सही है, परपेंडिकुलर तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब ये फॉर्मूला था यहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर, एंगल बिटवीन टू लाइंस में परपेंडिकुलर वाला स्पेशल केस। सही है, पुट कर दो, ठीक है ना, तो 0 इंटू दिस 0 होगा, 0 इंटू दिस 0 और 1 इंटू दिस 1 प्लस 2 लैम्डा 0 आ जाएगा। 1 प्लस 2 लैम्डा राइट हैंड साइड 0 है।
लेमडाई वैल्यू क्या आई कैलकुलेशन करके, ये चीज इस साइड प्लस क्यू साइड माइनस की, ये इंटू में था, ये आ जाएगा सही है माइनस वन बाई टू, पुट कर दो रिजल्ट आ चुका है सही है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो ताकि इस फॉर्म में नजर आए, ठीक है ना। तो टू से दोनों जगह दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, टू के मल्टीप्लाई यहां पर करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर जीरो इंटू समथिंग जीरो रहेगा सही है। फिर इसके बाद कैलकुलेशन टू एक्स माइनस का टू एक्स कैंसिल हो जाएगा सही है। फिर टू की मल्टीप्लाई अंदर टू वाई माइनस का थ्री वाई माइनस का वाई बचेगा जो फाइनल आंसर है, ठीक है ना। फिर टू जेड और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस फोर तो प्लस का फोर और प्लस का टू तो प्लस का सिक्स जेड और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टू है, यहां पर माइनस फोर है तो माइनस का सिक्स उस साइड प्लस का सिक्स हो जाएगा, ये आंसर है ठीक है ना। और इसके बाद ये बेसिक कैलकुलेशन याद रखना, मतलब इन बातों का ध्यान रखना है, यहां पर माइनस जेड होगा ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे वन इंटू जेड होगा ना यहां पर आर वेक्टर डॉट है ठीक है ना, ये बात याद मतलब कैलकुलेशन है, इन बातों का ध्यान रख लेना। माइनस वन इंटू माइनस वन ठीक है ना, तो प्लस वन और प्लस का टू यहां से तो प्लस का थ्री इस तरीके से ठीक है। थोड़ा और रीअरेंज करके लिख सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुरू में हम नॉर्मली जो सबसे पहली टर्म है उसको माइनस साइन लिखते नहीं, तो मतलब दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड और माइनस मतलब राइट हैंड साइड भी ठीक है ना। तो वाई माइनस थ्री जेड उस साइड माइनस सिक्स का होगा, इस साइड प्लस सिक्स हो जाएगा बाद में, ये रिजल्ट है, वो चॉइस है। किस मेन बात क्या है कैलकुलेशन में, तो मतलब ध्यान रख लेना और ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से टोटली कैलकुलेशन है, बस उसके बाद ज्योमेट्री की कौन चीज इस कंसेप्ट में किसी एंगल की बात चलेगी, यूज कोई दूसरा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। बस इस तरीके ज्योमेट्री समझ लो, बस उसके बाद टोटली कैलकुलेशन और इस तरीके बेसिक बातें याद रखो ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।